Assalamu alaikum dear students, I welcome you all in Hussaini Public online classes. So let's start our unit 2nd. Unit 2nd's first chapter is food. तो हमारा पहला चैप्टर जो है यूनिट सेकेंड का जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फूड. फूड फूड का मतलब क्या होता है? फूड मीन्स खाना, खाना जो हम खाते हैं. किस लिए हम खाते हैं? फूड से क्या होता है? फूड क्यों खाते हैं हम? क्योंकि फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. फूड से हमें एनर्जी मिलती है. एनर्जी से हम क्या करते हैं? जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. तो वो एनर्जी हमें कहाँ से आती है? फूड से आती है. फूड जो है हमें ग्रो करने में हेल्प करता है और हमें हेल्दी रखता है, हमें बीमारियों से बचाता है. अब हम पढ़ेंगे वो फूड जो हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. एनर्जी हमें किस फूड से मिलती है? सीरियल्स. हाँ, सीरियल जैसे राइस है, वीट है, मेज है, बाजरा है, इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. अब वो फूड जिससे हम जो हमें हेल्प करता है ग्रो होने में, जैसे पल्सेस है, दालें हैं. हाँ, जैसे हम इंटरेस्ट है, अभी ज्यादा दालें ही खाते हैं, वो हमें किस में हेल्प करती है? ग्रो करने में हेल्प करती है. दालें है, पीस है, बीन्स है, ये हमें हेल्प करती है ग्रो होने में. फूड फॉर हेल्दी. अब वो फूड जो हमें हेल्दी रखता है फॉर हेल्थ के लिए कौन सा फूड जो हमें हमारी स्किन, हमारे बॉडी को, हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है? से फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये हमारी जो भी स्किन प्रॉब्लम्स है, आई प्रॉब्लम है, उससे बचाते हैं. ठीक है, इसके बाद आ जाता है, इसके बाद अब वो फूड, हाँ, अब वो प्लांट जो हम लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करेंगे फूड के लिए, वो प्लांट्स हाँ जो हम ग्रो करेंगे फूड के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं. क्रॉप जो है वो क्या करते हैं हम? वो पहले हम सो करते हैं, उगाते हैं. उनकी सीड्स जो है, प्लांट्स की सीड जो है, वो एक बड़ा फील्ड होता है जहां पे हम वो सीड्स को सो करते हैं. अब अलग अलग डिफरेंट टाइम्स होता है, डिफरेंट टाइम्स होता है प्लांट्स का, अलग अलग टाइम होता है सो करने का. जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस प्लांट है, ठीक है, उसमें क्या वो को हम कब सो करते हैं? रेनी सीजन में. ऐसे ही वीट जो है वो हम सो कब करते हैं? ऑटम के सीजन में. अब फिर जब वो तैयार हो जाते हैं, जब वो प्लांट्स फिर तैयार हो जाते हैं, हम उसको क्या करते हैं? फिर जब वो रेडी हो जाते हैं हम उसको कट करते हैं और गैदर करते हैं, और उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. हार्वेस्टिंग. तो ये क्रॉप्स हम कहां से लाते हैं? फील्ड से. फिर ये फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स ये क्रॉप्स कलेक्ट करके मार्केट में बेचते हैं. अब फार्मर्स लेकिन कहां पे वो बेचते हैं? वो बड़े बड़े बाजारों में बेचते हैं, बड़े बड़े शॉपकीपर्स को में बेचते हैं, जिनको हम होलसेलर्स कहते हैं. उनको हम होलसेल, जहां से हम लाते हैं होलसेलर्स, ठीक है, होलसेलर, जहां से हम सब्जियां लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, वो होलसेलर नहीं होते हैं, बल्कि हम किसी शॉपकीपर से लाते हैं. और वो शॉपकीपर क्या होते हैं? वो डिपेंड होते हैं किन पे? होलसेलर्स पे. वो वहीं से ले आते हैं, मंडी से. हाँ, मंडी से ले आते हैं, होलसेलर मार्केट जिसको हम कहते हैं, वहां से ले आते हैं. वहां पे कौन लाता है? फार्मर्स लाते हैं. और वहां से फिर वो क्या करते हैं? ट्रांसफर शॉपकीपर्स को, शॉपकीपर से हम ले आते हैं. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वीट है, फ्लोर है, ग्रेन्स है, वो हम कहां से लाते हैं? वो हम कहां पे ब्रिंग करते हैं? मिल्स में. वो कहां पे कुछ चीजें जो होती है जो हम कहां से ले आते हैं? मिल्स से. फॉर एग्जाम्पल मिल्स क्या होती है? मिल्स वो मशीन्स होती है, बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, जहां पे सीड्स को क्या किया जाता है? क्रीम किया जाता है. जैसे कि आप लोगों ने घर में देखा होगा जूसर मिक्सर, वैसे ही वो छोटा सा, वो छोटी सी एक मशीन है. ऐसी बड़ी बड़ी मशीन्स होती है मिल्स में, जो क्या करती है? जो सीड्स को क्रश करती है, उसको कन्वर्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल फ्लोर, आटा जो है, मैदा जो है, सूजी है जो है, वो कहां से आती है? वो वीट फ्लोर से, वो वीट से आती है, ठीक है, वो वीट से आती है. और वो हम कहां पे पीसा जाता है? फ्लोर मिल्स में पीसा जाता है. ऐसे ऑयल है, ऑयल जो है उसको भी हम
मिलता है हमें ऑयल सीड से, लेकिन वो हम ऐसे ही नहीं खा सकते हैं। वो क्या करते हैं, पहले ऑयल मिल्स में लिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, क्रश किया जाता है और वहां से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। ऐसे शुगर केन से हमें क्या मिलता है, शुगर मिलता है। तो ऐसे ही ना होगा, उसके जूस को हम पहले बॉइल किया जाता है, उसको एक थिक पेस्ट बनाया जाता है और उसे थिक जूस को फिर क्या करते हैं, चर्न करते हैं, उसे सेपरेट करते हैं, फिर हम शुगर सेपरेट करते हैं। ऐसे तो ये कुछ चीजें हैं जो हम कहाँ से लाते हैं, मिल्क से लाते हैं। ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पीते हैं मिल्क कहाँ से ले आते हैं हम, ये यूजुअली जो कुछ लोग होते हैं जो मिल्क कहाँ से लाते हैं, मिल्क मैन से लाते हैं। और वो मिल्क मैन कहाँ से मिल्क लाता है, उनके घर में काउस होते हैं, बफलोज होते हैं, उनको पालते हैं और वो उनको क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। लेकिन बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसे मिल्क मैन से मिल्क नहीं मिलता है, बल्कि वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे मार्केट में दूध बेचा जाता है छोटे छोटे पाउचेस में। हाँ, और पाउचेस को वो पाउचेस कैसे, हाँ कैसे, कहाँ से ले आते हैं वो मिल्क, कहाँ से ले आते हैं वो, हम कलेक्ट करते हैं डेयरी से, ये डेयरी से, मिल्क डेयरी से हम कलेक्ट करते हैं। जो विलेजर जो है वो कहाँ ले आते हैं वो मिल्क, हम वहां पे जो मिल्स है, डेयरी जो है वो विलेजर से कलेक्ट करते हैं, मिल्क कलेक्ट करते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, साफ करते हैं, उसको जर्म से, जर्म्स हटाते हैं, उसमें जर्म फ्री बनाते हैं, ठीक है। फिर इस मिल्क को किन में डालते हैं, छोटे छोटे पाउचेस में डालते हैं और उसको सेंड करते हैं, स्लॉट मशीन्स में सेंड करते हैं। और उनमें क्या रहता है, एक मिल्क जो है वो ठंडा रहता है, ठंडा रहने से इससे क्या होता है, ये मिल्क स्पॉइल नहीं हो जाता और फिर ये ट्रांसफर किया जाता है बड़े बड़े शहरों में। ऐसे ही क्या हम लेते हैं, और एग्स, हाँ एग्स है, एग्स है, मीट है, फिश है, जो हम फूड लेते हैं। ऐसी जगह जहां पे चिकन, जहां पे चिकन को क्या किया जाता है, पाला जाता है, उसको हम पोल्ट्री फॉर्म्स कहते हैं, उनको हम पोल्ट्री फॉर्म्स कहते हैं। उनको हम पोल्ट्री फॉर्म्स कहते हैं। वहां पे क्या करते हैं, एग्स और चिकन जो होते हैं वो होलसेलर्स लेते हैं मार्केट्स में और उनको ट्रांसफर किया जाता है, उनको मार्केट्स में एनी फार्म से लिया जाता है और फिर मार्केट्स में वो बेचते हैं। तो ऐसे ही फिशरीज जो है, फिशरीज से आती है, फिशरीज वो क्या करते हैं, वो लेक्स पॉन्ड से फिशेस लेते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं वहां पे और फिर वो वहां से क्या, कहाँ पे ट्रांसफर होती है, मार्केट में ट्रांसफर होती है। तो ये फूड जो है ये ऐसे ही ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। अगर हमें ये फूड जो है ये हमें क्या लेना चाहिए, हमें अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए, क्योंकि हमें, मैंने आपको पहले भी बोला है कि फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हमें ग्रोथ में हेल्प करता है, हमें हेल्दी रखता है, इसलिए हमें क्या लेना चाहिए, बेस्ट क्वांटिटी ऑफ फूड। फॉर एग्जांपल हमें क्या, मिल्क क्या लेना चाहिए, हमें दो बार दिन में, दो बार सुबह शाम को मिल्क लेना चाहिए, ताकि वो हमें किस में हेल्प करे, वो हमारी, हमें उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, वो हमारी बोन्स, हमारी टीथ्स में स्ट्रॉन्ग रहने में मदद करती है। हमें अनकवर्ड फूड, अनकवर्ड मीन्स जो जिसमें बिल्कुल ऊपर से कवर नहीं होगा, वो हमें खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसपे जर्म्स ने अटैक किया होता है। एंड क्या होता, अगर हम फूड खाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, हमें पहले क्या करना चाहिए, वो वॉश करना चाहिए। या अगर हम खाना खाएंगे, खाना खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए, खाना खाने के बाद हमें अपना माउथ साफ करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें क्या, इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, फूड जाया नहीं करना चाहिए। ज्यादा चॉकलेट्स जैसे जंक फूड जो हम लेते हैं आजकल, अतः बच्चे लेते हैं, वो हमें बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, फूड के बारे में, खाना जो हम खाते हैं
है, वो किस लिए हेल्प करता है और कहाँ कहाँ से मिलता है। अब ये था हमारे इस चैप्टर के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।